हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब भी हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम ये बेसिक चीज़ों को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं और अपने प्रोसेस में इतना बिजी हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले, अगर आप किसी प्रोसेस की शुरुआत करते हो तो आपसे क्या कहा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पॉजिटिव रहना है, पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना और अपने प्रोसेस पे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, ये जो लॉ है ये आपकी इच्छाओं पे वर्क करने लग जाता है। आप अपने माइंड को जिन चीजों का मैसेज देते रहते हो वही सेम चीजें आपकी लाइफ में और आगे होती जाती हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ये सोचते रहते हैं कि वो जो प्रोसेस को डन कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, और बार बार अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरा प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा, मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मेरे लिए कुछ वर्क नहीं कर रहा। आपके माइंड को आप क्या मैसेज दे रहे हो कि मैं अपने आने वाली लाइफ में आगे भी इस तरह से बुरा फील करना चाहता हूं। और प्रोसेस के समय ये सारी बातें कितना असर डालती है आप सोच भी नहीं सकते। इस वजह से क्या होता है कि आपकी लाइफ में वैसे बहुत सारे सेम सिचुएशन आती है जिससे आप और ज्यादा बुरा फील करो। दूसरा रीजन ये होता है ना कि जो लोग आंख गड़ा के अपने प्रोसेस पे लगे रहते हैं, पूरी तरह नजरें बिछाए रहते हैं, एक एक कदम को बड़े ध्यान से देखते रहते हैं, और जब वो इस तरह से अपनी चीजों को देखते रहते हैं ना, तो हर हर सेकंड की परिस्थितियों के हिसाब से उनके मूड में चेंजेस आता रहता है। कभी अगर कोई चीज अच्छी हो जाती है तो वो अच्छा फील करते हैं, पर अगर कोई चीज उनके हिसाब से नहीं होती है तो वो बुरा फील करने लग जाते हैं और वही प्रोसेस जिसे वो डन कर रहे हैं उस पर डाउट करने लग जाते हैं। और जब डाउट करने लग जाते हैं तो बड़े आराम से अपने मन को इजाजत देते हैं कि बुरा फील करो, मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, और अपने माइंड को वो स्ट्रांग मैसेज उस समय भेज देते हैं जिस समय आपके विश की प्लानिंग हो रही होती। आपको पूरी तरह ये सोच के रहना है कि आप बार बार अपने मन के अंदर, अपने दिमाग में वो सारी बातों को ज्यादा ना सोचे जिससे आपको बुरा फील हो रहा है, चाहे वो पास्ट की बातें हो, चाहे अभी की विश से रिलेटेड बातें हो, चाहे इस मोमेंट पे आपको किसी पर्सन ने कुछ कह दिया उस तरह की बातें हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस इमोशन को फील करते हो उतना ज्यादा वो सारी चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट होती जाती है, और स्पेशली उस समय जब आप अपने प्रोसेस को डन कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अपने आप को एक पावरफुल अफर्मेशन बोलते रहना, अपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी, अपने आप को वो सारी बातें बोलिए जिससे आपका खुद का बिलीव स्ट्रांग होते जाए। जब आप इस तरह से मेंटली स्ट्रांग बनके अपनी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हो तो क्या होता है, आपकी स्टोरी भी एक सक्सेस स्टोरी में बदल जाती है, आपकी सारी विश भी मैनिफेस्ट हो जाती है। आपको इस तरह से अपनी टेक्निक को डन करना है, अपने प्रोसेस पे जरा भी बिल्कुल भी डाउट को जगह नहीं देनी, क्योंकि डाउट एक ऐसी चीज होती है ना जिसकी वजह से हमारी विश हम तक आने में बहुत लेट हो जाती है। इसलिए आपको अपनी सारे प्रोसेस को बहुत पावरफुली, अमेजिंगली और पॉजिटिव एनर्जी के साथ डन करना है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।